एमएसपी की बात इसमें लेके आए हैं। एमएसपी की बात में पिछली बार भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि हमारा बीकानेर, जहां से हम विधायक के रूप में आते हैं, बीकानेर जो पूरी दुनिया में ख्यात है, विख्यात है, जो अपने भुजिया के लिए, नमकीन के लिए, उस बीकानेर का जो भुजिया बनता है मोठ से बनता है, और मोठ की पैदावार सबसे ज्यादा कहीं होती है तो बीकानेर में होती है। सबसे बड़ा क्षेत्र अगर इसके मोठ का है तो बीकानेर है। बीकानेर का ये मोठ आज भी एमएसपी के दायरे में नहीं है। राज्य सरकार इस पर भी ध्यान दे और कहीं कहीं ऐसा कहकर टाल दे कि केंद्र का विषय है। तो आप जब केंद्र के बनाए कानूनों पर सदन का समय जाया करने के लिए बिल ले आते, प्रस्ताव ले आते हैं, तो इसके लिए भी प्रस्ताव बना के किसान हित में केंद्र को भिजवा सकते हैं। ये सदन अपना जो वाजिब काम है किसान हित का, उसको करना चाहिए। ग्वार जो बहुत बड़ी फसल है पश्चिमी राजस्थान की, बहुत बड़े एरिया में जिसको बोया जाता है, उस फसल को भी एमएसपी के दायरे में लाना चाहिए। और मैं माननीय आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपने इसमें जिक्र किया है कि 1000 करोड़ का कोष बनाएंगे और इस ऋण को चुकाने के लिए अनाज फल सब्जी मंडियों से उसकी आय की 5% राशि प्रतिवर्ष ऋण अदा द्वारा ऋण अदा किया जाएगा। आप कृषि मंडियों पे, आप फल सब्जी मंडियों पे ये 5% राशि लेना चाह रहे हैं, जबकि कृषि मंडियों की स्थिति आपसे वाकई आपसे छुपी हुई नहीं है। कृषि मंडियां लेके आए हैं, लेके आए हैं आधारभूत ढांचा, सड़कें काम बन रही है। पिछले अभिभाषण में कहा हमने 139 करोड़ की सड़कें बनाई कृषि मंडी से, कहां लगा दिया उसका अता पता नहीं। और 1 किलोमीटर भी रोड राजस्थान में कृषि मंडी से नहीं शुरू होने वाला था। सारी बातें हो गई थी कि आपने 19-20 संग्रहित किया था, उपभोक्ता परिवार को भी आपने समाप्त कर दिया। बात करते हैं कि 5% हम कृषि मंडियों से इसकी ऋण अदायगी के लिए हम पैसा लेंगे, के द्वारा आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं लगती किसान की पीठ को सीढ़ी बना के सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे हैं आप, तो किसान की उस जिस सीढ़ी से चढ़े उस सीढ़ी को गिराने का काम मत करिए। उस सीढ़ी को किसान की पीठ को